जबिल स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम ये कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल थ्री है इफ़ जी इज इक्वल टू वन प्लस टी होल स्केर माइनस टी ओवर वन प्लस टी स्केयर दैन प्रूव दैट द लोकस ऑफ जी इज एन आल्सो फाइंड सेमी मेजर एंड सेमी माइनर यानी हमें एक कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये एक एक्सप्रेशन मिला है तो हमने फाइंड आउट करना है कि Z कौन सी कर्व को रिप्रेजेंट करता है यानी रोकस ऑफ Z फाइंड करना है और प्रूव करना है कि ये एक लिप्स की इक्वेशन बनेगी और उस लिप्स का हमने सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्स भी फाइंड करना है लेट जीज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई तो यहाँ से हम जी की वैल्यू लिखेंगे एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू वन प्लस एयोटा टी होल स्केयर माइनस अयोटा टी और वन प्लस टी स्केय ये डिनोमिनेटर में वन प्लस टी स्केयर लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू वन प्लस टी स्केर

वन एज इट इज माइनस टी स्केर भी एज इट इज और ये प्लस टू आईओटा टी माइनस आईओटा टी किसकेक्वल आ गया प्लस आईओटा टी इक्वल इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यानी लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट है वो राइट साइड पे जो रियल पार्ट है उसके इक्वल आएगा और जो लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है वो राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसके इक्वल आएगा तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट था एक्स इंटू वन प्लस टी स्केर यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट किसके इक्वल है एक्स इंटू वन प्लस टी स्केय तो ये किसके इक्वल आएगा वन माइनस टी स्के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा वाई इंटू वन प्लस टी स्केल और ये किसके इक्वल आएगा टी के इक्वल तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिख दिए इसको सिंप्लीफाई किया है एक्स प्लस एक्स टी स्केय और ये नेगेटिव टी स्केयर लेफ्ट पे था और राइट right पे आकर ये प्लस का टी स्केयर हो गया और राइट right साइड पे क्या बचा हमारे पास वन स्क्यर इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ये नहीं ये एक्स उस तरफ जाकर माइनस हो गया यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी इसमें से है हमने टी को एलिमिनेट करना है तो दो मेथड है एक तो ये है कि यहाँ से टी की वैल्यू निकालें वो इस इक्वेशन में पुट कर दें दूसरा मेथड ये है कि दोनों तरफ से टी की वैल्यू निकालें और फिर कंपेरिजन से टी को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ से दोनों तरफ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो कंपेरिजन से हम टी को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से टी स्क्यर उसकी वैल्यू आई वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स हमने टी की वैल्यू निकाल ली तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे टी की वैल्यू आएगी स्केयर रूट वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स ये हमारे पास टी की वैल्यू है अब यहाँ पे जब हम अमेजनरी पार्ट इक्वेट किया वाई इंटू वन प्लस टी स्केयर इज इक्वल टू टी और यहाँ से वाई इंटू वन प्लस ये टी की वैल्यू इसमें पुट कर दी वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स क्योंकि यहाँ पे टी है तो जब इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो इसके रूट नहीं आएगा राइट साइड पे जस्ट टी था तो उसमें टी की वैल्यू में क्या आएगा इसके रूट वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स तो ये देखें हमने टी की एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी तो ये भी हो सकता था कि इसमें से टी की वैल्यू निकालते और इसमें पुट कर देते लेकिन इसमें यह था कि टी स्केयर में भी आ रहा था और टी लेनियर में भी आ रहा था तो यहाँ पे दोनों टी स्केयर में थे इसलिए तो टी की इजीली वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते थे इसमें यह था कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता उसके लिए हमें टी की दो वैल्यूज मिलती तो इसलिए बेहतर यही है कि हम एक इसमें से टी की वैल्यू निकालें और यही वैल्यू इसमें पुट कर दें अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे एलसीएम आएगा वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया वन प्लस वन टू टू वाई ओवर वन प्लस एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स अब यहाँ पे देखें राइट साइड में डिनोमिनेटर में पावर है वन बाई टू और लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में पावर है वन जब ये फैक्टर इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस एक्स यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा इस जगह पे तो इसकी पावर वन होगी डिनोमिनेटर में से जो वन बाई टू पावर होगी वो ऊपर जाकर माइनस होगी तो वन माइनस वन बाई टू करेंगे पावर वन बाई टू रह जाएगी वन प्लस एक्स का रूट आ जाएगा और ये वन माइनस एक्स एज इट इज यानी टू वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स दोनों तरफ स्केयर किया लेफ्ट साइड पे आया फोर वाई स्केयर और ये वन माइनस एक्स जब वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगेगा यानी वन माइनस एक्स स्केयर बन जाएगा ये नेगेटिव एक्स स्केयर लेफ्ट पे आएगा प्लस का हो गया एक्स स्केर प्लस फोर वाई स्केर इज इक्वल टू वन अब हमने लिप्स की इक्वेशन बनानी है तो उसमें एक्स और वाई का क्वेश्चन वन करेंगे यानी ये डिनोमिनेटर तो में चला जाएगा एक्स स्केर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओर बी स्केर इज इक्वल टू वन ये हमने फॉर्म बनानी है तो इसके डिनोमिनेटर में तो हम वन स्केयर लिख सकते हैं और ये फोर डिनोमिनेटर में जाएगा तो वन बाई फोर लिखेंगे यानी फोर यहाँ पे मल्टीपल है तो इसको जब हम वाई स्केयर के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये वन बाई फोर होगा तो वन बाई फोर को हम वन बाई टू होल स्केयर लिख सकते हैं इज इक्वल टू वन और यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म आ रही है एक्स ओवर ए स्के प्लस वाई ओवर बी स्केर इज इक्वल टू वन तो ये किसकी इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन है विच इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेमी मेजर एक्सेज एंड सेमी माइनर एक्स अब सेमी मेजर एक्सेज और सेमी माइनर एक्सेज लिखने से पहले मैं इलिप्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है ओ ओवर इज इक्वल टू वन तो उसका सेंटर होता है ओरिजिन पर यानी ज़ीरो ज़ीरो पर और उसका सेमी मेजर एक्सेज होता है यानी जो डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी उसके अला यानी अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो सेमी सेमी मेजर एक्स जो होगा वो एक्स एक्सेज होगा और अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन होती है ए से तो फिर सेमी मेजर एक्स जो होगा वो वाई एक्सेज होगा तो अब यहाँ पर ये देखें कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन है और बी की वैल्यू यानी जो एक्स के डिनोमिनेटर में है वो लार्ज है और जो वाई के डिनोमिनेटर में है वो स्मॉल है तो यहां पे इसका एक्सिस यानी जो मेजर एक्सिस होगा इस इलिप्स का वो क्या होगा एक्स एक्सिस और जो माइनर एक्सिस होगा वो क्या होगा वाई एक्सिस अब एक्सिस की जब हम इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस ये भी एक लाइन है और सेमी माइनर एक्सिस ये भी एक लाइन है अब सेमी मेजर एक्सिस क्या है ये अलोंग एक्स एक्सिस है यानी इसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू ए अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है वन और इस तरह सेमी माइनर एक्सेज ये लॉन्ग वाई एक्सेज है अब जो वाई एक्सेज के पैरल लाइन होती है उसको हम एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखते हैं अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी वैसे जनरल सेमी माइनर एक्स की इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू बी अब यहाँ पे बी की वैल्यू है वन बाई टू तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू ये एक लाइन है जो पैरल टू वाई एक्सेज है और ये भी एक लाइन है जो पैरल टू एक्स एक्सेज है यहां पे ये सेमी मेजर बनता है और ये सेमी माइनर एक्सेस बनता है नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर है इफ जीज इक्वल टू वन प्लस प्लस थ्री प्लस टू अयोटा इंटू टी और सर्कल यानी हम जो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे वो एक सर्कल की सर्कल हमने उसका रेडियस भी बताना है और सेंटर भी बताना है आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम ओरिजिन यानी जो सर्कल की बाउंड्री होगी उसका हमने ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस भी बताना है और मिनिमम डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है यानी पहले हम लोकस फाइंड करेंगे फिर उसके बाद हम उसका सेंटर बताएंगे और उसका रेडियस बताएंगे और रेडियस बताने के बाद हम उसकी बाउंड्री के पॉइंट देखेंगे कि कौन सा ओरिजिन के करीब है और कौन सा ओरिजिन से दूर है लेट इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई इज इक्वल टू वन प्लस एटा प्लस थ्री प्लस टू टी ओवर वन प्लस टी ये डिनोमिनेटर का फैक्टर लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस इज इक्वल टू वन प्लस टू आईटा टी इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस एक्सोटा टी प्लस एटा वायनस वाई टी अब यहां से वन प्लस रियल पार्ट अलग कर लिया और टू आईओटा टी प्लस आईओटा इनमें कॉमन ले लिया वन प्लस टू टी इंटू एनरी पार्ट अलग कर लिया इस तरह लेफ्ट साइड पे भी ये रियल पार्ट है x प्लस अयोटा y x माइनस आयोटा x माइनस वाई टी ये रियल पार्ट है और x प्लस iota y इन दोनों में से iota कॉमन ले लिया तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा x t प्लस y अब हम इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है x माइनस वाई टी और राइट साइड पे क्या है वन प्लस थ्री टी और इस तरह इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट साइड पे एक्स टी प्लस वाई और राइट साइड पे इमेजनी पार्ट है वन प्लस टू टी तो इस तरह हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग अलग कर लिए और हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी दो मेथड हो सकते हैं कि एक में से टी की वैल्यू निकालें दूसरे में पुट कर दें या अगर दोनों से इजीली आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो टी की वैल्यू निकालें और फिर उनको कंपैरिजन से एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से एक्स माइनस वन यानी ये फैक्टर इस तरफ ले गए और ये राइट पे गया थ्री टी प्लस वाई टी इनमें से टी कॉमन ले लिया तो यहाँ से टी की वैल्यू आई एक्स माइनस वन ओवर वाई प्लस थ्री इस तरह इस फैक्टर में से भी टी की वैल्यू मिलेगी हमें वन माइनस वाई ओवर एक्स माइनस टू अब ये देखें इक्वेशन वन और टू में लेफ्ट साइड इक्वल है यानी लेफ्ट साइड पर इसके भी टी रहा है और इसके भी टी रहा है इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी यानी एक्स माइनस वन ओवर वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू वन माइनस वाई ओवर एक्स माइनस टू अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा और वाई प्लस थ्री वन माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री इंटू वन माइनस वाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई माइनस वाई स्केयर प्लस थ्री माइनस थ्री वाई ये नेगेटिव वाई स्केयर लेफ्ट पे जाएगा प्लस का हो गया एक्सकेय प्लस वाई स्केर ये नेगेटिव टू एक्स नेगेटिव एक्स ये बनेगा और ये प्लस वाई नेगेटिव टू वाए तो लेफ्ट पे आकर प्लस का टू आए और ये प्लस का थ्री लेफ्ट पे आएगा तो माइनस होगा थ्रू टू माइनस थ्री तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा टू माइनस थ्री का माइनस वन राइट साइड पे क्या आएगा ज़ीरो अब ये देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी अब हम देखेंगे कि ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो यहाँ पे भी मैं एक और बात बता देता हूँ कि जब एक्सप्रेशन में आपके पास एक्स वाई वाली टर्म नहीं हो यानी जनरल इक्वेशन होती है कोने की ए एक्स केयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी एक्स स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो तो उसमें अगर एक्स वाई वाली टर्म ना हो तो उसके बाद हम ये वो तीन तरह की इक्वेशन हो सकती है एलिप्स की हाइपरबोला की या पैराबोला की तो अगर एक वेरिएबल का स्केयर हो और एक लीनियर हो यानी एक्स का स्केयर हो वाई लीनियर हो या वाई का स्केयर हो एक्स लीनियर हो तो फिर वो पैराबोला की इक्वेशन बनती है अगर दोनों का स्केयर हो तो फिर वो तीन तरह की इक्वेशन बन सकती है या सर्कल या हाइपरबोला या एलिप्स अगर तो दोनों के कॉफियन सेम हो यानी एक्स और वाई का कोफियंट सेम हो तो फिर वो सर्कल की क्वेश्चन बनती है अगर एक्स और वाई के कॉफियन डिफरेंट हूँ तो फिर वो एलिप्स की बनेगी या हाइपरबोला की बनेगी इन दोनों के दरम्यान में अगर प्लस का साइन होगा यानी एक्स स्केयर और वाई स्केयर का साइन प्लस का होगा तो फिर वो बनेगी एलिप्स की इक्वेशन यानी कोफिशिएंट भी बैलेंस ना हो और प्लस का साइन हो अगर कोफिशिएंट भी बैलेंस नहीं या माइनस का साइन हो जाए माइनस का साइन हो जाए और कॉफियंट बैलेंस हो भी जाए फिर भी ये हाइपरबोलक इक्वेशन बनेगी तो ये तो जस्ट वैसे एनालाइज करना हो लेकिन यहाँ पे हमने इसका रेडियस भी बताना था यानी सर्कल भी हमने शो करवाना था और उसका रेडियस भी बताना था तो हम इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्केर है और साथ एक्स लीनियर में भी है तो हम एक्स का स्केयर कंप्लीट करेंगे इस तरह वाई स्केयर में भी है और लीनियर में भी तो इस तरह वाई का भी स्केयर कम्प्लीट करेंगे पहले एक्स का स्केयर कम्प्लीट करने लगे हैं एक्स स्केर नेगेटिव टू एक जगह एक्स लिख दिया और बी की जगह जो एक्स का कॉफियंट होता है उसका हाफ लिखते हैं यानी थ्री बाई टू यहाँ पे थ्री था तो यहाँ पे थ्री बाई टू लिख दिया अब बी की जगह थ्री बाई टू लिखा तो थ्री बाई टू का स्केयर ऐड भी करेंगे और इस तरह थ्री बाई टू का स्केयर माइनस भी करेंगे इस तरह आप वाई का स्केयर कंप्लीट करने लगे हैं वाई स्केयर अब यहाँ पे ये यह देखें वाई वाले टर्म प्लस के साथ है तो यहाँ पे मैंने प्लस टू ए की जगह वाई और बी की जगह जो वाई का कॉफियंट है उसका हाफ लिखते हैं यहाँ पर वाई का कॉफियन कितना टू तो उसका हाफ कितना बनेगा वन ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर बी की जगह अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम वन तो यहाँ पे क्या करेंगे वन स्केयर तो वन स्केयर एड किया तो माइनस भी करेंगे ये माइनस वन लिखा गया और ये माइनस वन ये जो लास्ट पे बच रहा था ये वार लिख लिया अब यहाँ तक एक्स स्केयर से लेकर ये माइनस यहाँ तक ये हमारे पास बनता है एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्केयर और ये माइनस नाइन बाई फोर और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y प्लस वन होल स्केयर बनता है और ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया x माइनस थ्री बाई टू होल स्केयर प्लस वाई प्लस वन होल स्केयर और ये नेगेटिव नाइन बाई फोर और ये माइनस टू इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और इनका एलसीएम भी ले लिया तो ये हमारे पास नाइन प्लस एट बाई फोर अब ये नेगेटिव टर्म राइट पे जाकर प्लस की हो गई एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्केयर प्लस वाई प्लस वन होल स्केयर इज इक्वल टू अब ये सेवनटीन बाई फोर बनना था तो इसको मैंने स्केयर रूट सेवेंटीन बाई टू होल स्केयर लिख दिया यानी हमारे पास जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर यानी उसका सेंटर कहाँ पे होता है एच के पर और रेडियस क्या होता है ए अब यहाँ पे जो चीज़ एक्स में से माइनस हो रही है वो सेंटर का क्या बनेगा एब शीसा बनेगा यानी थ्री बाई टू और जो चीज़ वाई में से माइनस हो रही है अब वाई में तो ये चीज़ प्लस हो रही है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वाई माइनस माइनस वन यानी इसका ऑर्डिनेट क्या बनेगा माइनस वन यानी ये सेंटर के कॉर्डिनेट्स बनेंगे थ्री बाई टू और माइनस वन और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा स्केयर रूट सेवेंटीन बाई टू तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और उसका हमने सेंटर भी बता दिया और उसका हमने रेडियस भी बता दिया नेक्स्ट हमने मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताना था तो उसके लिए पहले हम सर्कल को ड्रा करते हैं ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे थ्री बाई टू और माइनस वन यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा तो इस का सर्कल का सेंटर किस क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में में। आएगा? ये फोर्थ पे ये सर्कल का सेंटर ड्रॉ कर दिया अब सर्कल का रेडियस कितने है? रूट 17 बाई 2. तो उस रेडियस के मुताबिक हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया अब हमने इसका देखना है इस ओरिजिन से डिस्टेंस तो अब फिगर से हम देख सकते हैं कि ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस जो मिनिमम होगा वो होगा ओ से लेकर ए तक और जो मैक्सिमम होगा वो ओ से लेकर बी तक होगा बाकी जो भी डिस्टेंस होंगे वो इससे कम ही होंगे मिनिमम ये वाला बनता है ओ से लेकर ए तक और मैक्सिमम कौन सा बनता है ओ से लेकर बी तक यानी वो लाइन जो इसके सेंटर में से भी पास कर रही है और ओरिजन में से भी पास कर रही है उसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे हेयर ओ सी इज इक्वल टू यानी ओरिजिन से लेकर ये सी तक डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जीरो जीरो और ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं थ्री बाई टू माइनस वन तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाया थ्री बाई टू माइनस जीरो होल्स के माइनस वन माइनस जीरो होल्स के तो यहाँ से ओ से लेकर सी तक यानी यहाँ से लेकर ये ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया नाइन बाई फोर प्लस वन तो इसको सॉल्व करेंगे इसके रूट थर्टीन बाई टू आता है यानी ओरिजिन से लेकर सी तक लेकिन हमने बताना है ओरिजिन से लेकर बी तक मैक्सिमम डिस्टेंस और ओरिजिन से लेकर ए तक मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये वाला तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ओ से लेकर सी तक डिस्टेंस जो अभी हमने फाइंड आउट किया और सी से लेकर बी तक डिस्टेंस अब सी से बी तक क्या है ये सर्कल का रेडियस या तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है स्केयर रूट सेवनटीन बाई टू तो अब यहाँ पे हम ओ सी और सी बी की वैल्यू पुट करेंगे ओ सी की वैल्यू हमने कल स्केयर रूट थर्टीन बाई टू और सी बी यानी सर्कल का रेडियस है वो स्केयर रूट सेवनटीन बाई टू तो इसका हम एल्सियम लेंगे स्केरूट 13 प्लस स्केरूट 17 2. तो ये आ गया मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्टेंस अब मिनिमम मालूम है क्योंकि सर्कल का रेडियस है अगर हमने ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है उसमें से ओ से लेकर सी तक डिस्टेंस माइनस कर देंगे हमारे पास ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस यानी उसका रेडियस उसमें यहाँ से ओ से लेकर ये सी तक जो डिस्टेंस है ये हम माइनस कर देंगे यानी माइनस ओ सी ए सी की वैल्यू इसके रूट सेवनटीन बाई टू और ओ सी के भी हमने वैल्यू निकाल ली इसके रूट थर्टीन बाई टू इसकेल्शियम लेंगे इसके रूट सेवनटीन माइनस के रूट थर्टीन बाई टू तो ये हमारे पास क्या है मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे नोट में मेंशन भी किया हुआ है कि रेडियस क्या है ए सीज इक्वल टू सी बी यानी ए से लेकर सी तक ये भी उसका रेडियस है और सी से लेकर बी तक ये भी रेडियस है तो इसकी वैल्यू क्या है इसके रूट सेवनटीन बाई